क्या जो अब जैसे हमने 72 साल के एक बुजुर्ग की बात की है, क्या ये उतना ही सीरियस है जितना डेल्टा 2 या डेल्टा प्लस या डेल्टा वेरिएंट था? नंबर वन. नंबर टू, इसमें भी क्या कोई एज फैक्टर है जिसको ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है? आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं सर? निशांत जी, किसी भी न्यू वेरिएंट के कितना खतरनाक होगा उसके लिए 4 फैक्टर्स मेनली कंसिडर किए जाते हैं. इनको हम IVLV कह सकते हैं, ये मेरा नॉमनक्लेचर है. आई मीन्स इन्फेक्टिविटी, वो इन्फेक्शियस कितना ज्यादा है. वी का मतलब हुआ विरुलेंस, यानी वो सीवियर डिजीज कितना कहता है. एल का मतलब हुआ लिथैलिटी, यानी कि वो मृत्यु कितने करता है. और वी मतलब वैक्सीन इवेजन, वो वैक्सीन या नेचुरल इम्यूनिटी को इवेड करता है. इस माइक्रोन के चक्कर के संदर्भ में इन 4 चीजों में से एक चीज का रिप्लाई अभी अवेलेबल है कि यह किसी भी प्रायर वेरिएंट से 4 से 5 गुना ज्यादा इंफेक्शस है. ये तो क्लियरली प्रूव हो गया है. अब जो दूसरी चीज उठ रही है कि क्या ये ज्यादा सीवियर डिजीज करता है या कम, तो अर्ली डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि शायद इसकी डिजीज माइल्डर है. लेकिन मैं बता दूं कि अभी बहुत जल्दी है और ज्यादातर केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो अभी यंग लोगों में है जिनमें अक्सर माइल्ड डिजीज होती है, और उसमें से कई लोग पोस्ट वैक्सीनेटेड भी हैं. तो वाकई ये कह पाना कि इसकी डिजीज कम विरुलेंस होगी, इसमें डेथ्स कितनी होंगी, इसका अभी फाइनल आंसर बाकी आना बाकी है. और उसी तरह से हालांकि कई केसेस पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों में रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन फाइनली ये कह पाना कि ये वैक्सीन को इवेड करेगा नहीं करेगा, इसका फाइनल आंसर आना बाकी है. हमें ये भी देखना होगा कि किस वैक्सीन, देखिए 2 तरह की वैक्सीन है, एक जो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बनी है और दूसरी जो पूरे वायरस के खिलाफ बनी है, तो क्या ये खाली उनमें कुछ फर्क होगा? तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अभी आना बाकी है. पॉइंट टेकन सर. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर. फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर. देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे. इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को. देखते रहिए TV9 डिजिटल.